लॉकडाउन 4 का आज दूसरा दिन है और सभी राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस अपने हिसाब से जारी कर दी हैं, जो MHA ने गाइडलाइंस दी थी। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के CP यानी कि कैनॉट प्लेस के गोल चक्कर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिगेटिंग पुलिस फोर्स अभी भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं कि वो MHA गाइडलाइंस के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सारी छूट दे दी गई है। और अगर दिल्ली की खासकर बात करें तो दुकानों को खोल दिया गया है, ऑड इवन की तर्ज पर दुकानों को खोला जाएगा और एक एक करके जो दुकानें हैं वो अपने हिसाब से खोलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर पालन किया जाएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान वाले नहीं करते हैं तो दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। मास्क लगाने के लिए पहले से ही बोला गया है, सैनिटाइजेशन के लिए बोला गया है। यहाँ पर पुलिस भी, आप देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, बाकायदा चेकिंग भी कर रही है, क्योंकि 31 तारीख तक लॉकडाउन अभी जारी है। तो 65 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको निकलने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। आप देखिए पेट्रोलिंग भी बाइक से पुलिस कर रही है, बाकायदा यहाँ पर पूरी तैनाती के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। और दिल्ली सरकार कि अगर बात करें तो काफ़ी सारी छूट दे दी गई है, लेकिन पहले की तरह स्कूल कॉलेज संस्थान जो हैं वो अभी भी बंद हैं। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन विशेष तौर पर किया जाएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, मास्क को नहीं लगाया जाता है, सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता है, तो ये जो छूट दी गई है, दुकानों को जो खोला गया है, उनको बंद कर दिया जाएगा। अभी भी कोरोना वायरस के केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लगभग 5000 के हिसाब से केस बढ़ रहे हैं और आज 1,00,000 का आंकड़ा पार कर गया है। इसलिए अभी भी घर पर रहिए, सेफ रहिए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।